काम नहीं, उसको चार्ज लगा चार्जर में। मैं आ रहा है कि नीतू जी की ए बेटा चार्ज लगा के लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। वो बेचारी इतनी अच्छी है, हां दी मैं क्या ही बताऊं, बेचारी आज मतलब आप, मैं दीदी किसी को बुरा नहीं सोचती हूँ, और सच में दीदी मुझे ये सब मैटर ना आज ओपनली पता चला है कि क्या मैटर है। मैं छठ माता नीतू चार लोगों के बीच में नहीं, तीन के बीच की थी, अभी चार के बीच के बीच नहीं होगा। ये जो ना ये कहने की थी, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है, क्या ये मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देखा, तो गया है बहुत खतरा, बहुत अभी पता है मनीषा पूरा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है, चिल्ला रही थी, अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनको पता है भाई मैं बीच में ना हूँ, बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगाए चिल्लाने, तुझको मालूम है भाई सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, इन्हें आज भी कम्युनिटी में डाल रही। दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोगों को ना सा छीनू कम्युनिटी डाल रहा हूँ, कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका व्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रह, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा, मैं तो नेहा दीदी को कॉल की हूँ। हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है, बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है, निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। नेहा दीदी के सामने बोला, नीतू दीदी बताओ यार इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही, तब से मैं दो चार घंटे से बहुत टेंशन में हूँ, इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो दो चार घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ी हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना, अगर ये लोग पता है, अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है। देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी, समझ रहे हो। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी, आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है और इस पे एक दो, अब जैसे नीतू दीदी है उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो क्या साइको, कुछ 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 तो है प्रॉब्लम उसको, वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसके उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा दीदी, पता है इसमें कुछ नहीं। देखो देखो ये अब शादी करना ना सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना सब तरीके से बर्बाद होना है, फिर पता है सामाजिक पद सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो, दीदी सुनो, दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा, और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है उन, उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा उसके बाद मैं डर के जिएंगे बिल्कुल कब तक। अच्छा दीदी पता नहीं दीदी, ये डर भी खत्म होगा। मैंने मैंने बोला ना इनको
कि सचिन को ना मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकियों क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है। नहीं देखो पता है सचिन की एक गलती है, तुम ले देके तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया बोलो मैं लाइव आ रहा हूँ। हाँ हाँ ये तो जिंदगी ब्लैकमेल भी हो गई ना फिर। पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तेरे तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू से टले, उसको भी तो उसकी जिंदगी में देखो। दो साल के बोल रहे, दो साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाला वो दो साल का डाला है कि दो साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो पागल हो गया है बेटा नेहा के लिए, पागल हो गया, वो साइको हो गया है। वो पता है उसका दिमाग के बोल रहे थे ना कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात है। तुम्हें मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तू उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी। इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दिया उसकी उस लाइन ने। इसलिए मैं 15 दिन में शादी करती हूँ, तेरे से जो करते बने तू कर लेना। तो बोल रहा हूँ पता है पूरे घर में, पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो पूरे घर में, बगावत से छेड़ दिया है वो घर में। मेरे को कुछ ऐसी बात होती है कि जो मेरे को डर है या फिर मैं ये चीज सामने जाएगी या कोई पता नहीं। सुनो सुनो सुनो, अब पता है क्या हुआ है, सुनो अभी जो 12 तारीख का जो बात हो रहा है ना, अब मेरे दिमाग में ये आया है कि भगवान इसका दिमाग थोड़ा खुरफाती है, अगर कहीं गया वीडियो वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल किया तो बड़ा गंदा हो जाएगा। आने जाने का किराया दे देना फ्लैट का, फ्लैट का वो कौन सा वाला है आपका, वो उसका नाम क्या है, नाम तो नहीं पता है, जिनसे बात कर रही हूँ। अच्छा थोड़ा ये चीज चीनू को भी बोल कि ना शांति में ही भलाई है अरे नीतू दीदी आपको क्या लगता है चीनू को इतना समझाए मैं, मैंने कहा चीनू मैं मारूंगी और बड़ी बहन समझता है तो एकदम। अभी चीनू का फोन आया था पता है मुझे, मैं दीदी से बता नहीं पाई, चीनी का फोन आया था मुझे, कह रहा और अलका दीदी कैसे हो दीदी, अरे भाई बहना को क्या हो गया और सॉरी दीदी मैं लेट हो गया। हम कह नहीं कोई बात नहीं, तबीयत खराब है आपकी, अब मैं तो इसके दोनों के मैटर में परेशान थी। कह दीदी ऐसा नहीं है, देखो मैं लेट हो गया इसके, सॉरी। हम कह नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है, और सब बढ़िया। और तो सचिन ने तो कॉल किया ही होगा आपके पास, क्योंकि जब वो 1 बजे लाइव नहीं आया ना सचिन, तब चीनू ने मुझे कॉल किया है, तो उसको लग गया है कि मैंने मना किया है, तो तब चीनू का कॉल आया। क्या आपके पास तो सचिन का कॉल आ ही गया होगा, हमने कहा हाँ भाई आया तो था। हमने कहा कोई बात नहीं है तुम लोग शांति दिमाग। क्या दीदी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मना किया मत उकसाओ उसको, वो बस बोल रहा था ना कि चीनू से सॉरी बुलवा दो मैं मान जाऊंगा। कहते ना दीदी कभी कभी ना अपना जरूरत पड़ता है ना, जिसको गधा भी बनना पड़ता है, लेकिन क्या बताया जाए। लेकिन दीदी नीतू दीदी सचिन का प्यार ना वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है, वो पागल हो गया, हो गया वो जला देगा यूट्यूब को, पता है यूट्यूब को, उसको अपना इज्जत अपना करियर अपना घर परिवार क्रिएटरों को भी सुहा करेगा उसके, कितने सारे क्रिएटरों को उसकी मछली में डालेगा तुझे पता है। वो इतनी हद तक पागल हो गया है, वो इस हद तक पागल हो गया है। नहीं दीदी आप, क्योंकि मनीषा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी पता है दीदी, वो अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना कि वो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो वो पूरा यूट्यूब पे भाई वो कहेगी तो पब्लिक पूरी सुनेगी। अभी उनके पूरे लाइव में पूरे उसके फेवर में थे सारे लोग, मतलब नेहा आशीष तिवारी का नाम ही खत्म हो जाएगा सबके मन की हो रही है। थोड़ा सा पता है दीदी अगर एंगेजमेंट में उसको बुला लिया गया होता ना, कुछ नहीं होता यार, भी शांति से जी रहा होता। इसको मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर फोन आएगा ना मैं उसको समझाऊंगी कि भाई ओफो दीदी मैटर बहुत हल्का फुल्का नहीं है, मैटर बहुत सीरियस है, मैटर बहुत सीरियस है, हल्का फुल्का मैटर नहीं है। लाइफ के उसमें बहुत
फिर से चिंगारी लग गई और इस बार बहुत गंदी वाली, उसको गंदी वाली लगी और उसने कॉमेडी डाल के और गंदा लगा दिया है। मनीषा ने क्या डाला तो कि अभी डिलीट हुई है। पति पत्नी के बीच तीसरी औरत थी और बहन बन के ड्रामा कर रही थी, हमारे वीडियोस नहीं बनने देती। कहती मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। मतलब हम दोनों को साथ में नहीं रहने दिया, हम दोनों को अलग कर दिया। मेरे लिए खुला कम्युनिटी डाल दी उसने। कब से सुबह से तो कौन से चैनल पे सचिन नहीं, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया मनीषा की दुनिया पे। हाँ सब लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए, वीडियो बन चुके। अबे ये पता है मैंने सचिन को बोला भी था मत कर, सब शांत हो गया उसकी जिंदगी में जैसे तैसे, तो अभी वो रिकवर हुई है, वो तमाशों से पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी दीदी, नरक ही कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अभी और हो जाएगी, अभी जो बचा वो भी हो जाएगा। देखो दीदी वो कह रहा है सचिन अलका दीदी हम पूरी दुनिया से गायब हो जाएंगे, हम फिर मैंने उसको परखने के काम के काम कर घर ले फ्लैट ले इनके नाम पे तू, तब तो जाने ना भाई तू अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और इनको तू बोल रहा है, तो बोला मैं ले लूंगा मैं कर लूंगा। मैं कर लूंगा शादी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। न्यादी से क्या बोला जाए, जिंदगी में आगे बढ़ रही जैसे तैसे तो शादी के लिए मानिए, क्या पदोती मार रहा है साले बीच में। अभी मनीषा से बात करने के बाद तो मैं दीदी मैं हिल गई हूँ, सच बता रही हूँ। वो मनीषा